राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज एचसी इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, काफी सारे बच्चों की कमेंट्स और क्वेरीज आए थे कि भाई ऐसा है, आप ट्वेल्थ की वीडियोस बना रहे हो, टेंथ के लिए क्वेरीज आई थी। तो हमने कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो कि क्रांति बैच के लिए थी, जो कि स्पेशल स्पेशली टेंथ क्लास के लिए था, जो कि उनका एसएसटी यानी सोशल साइंस बैच के लिए था। सो उसकी ही क्रांति बैच की आज फर्स्ट वीडियो है। तो आई होप कि आप जितने भी टेंथ के स्टूडेंट्स हैं वो सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। सो आज जो है हमारा क्रांति बैच का क्रांति बैच की फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 6 है आपका सिविक्स। आज हम सिविक्स का चैप्टर करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि कितने पार्ट्स में कवर होती है, क्योंकि मैं जो है वो चैप्टर्स को डीपली ही पढ़ाऊंगा। तो आप जितना हो सकेगा वीडियोस को ज्यादा देखें और डीपली और कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियोस मैं आपको बनाऊंगा या मैं कंटेंट आपको समझाऊंगा थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा और कौन कितने मार्क्स का आ सकता है वो बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होंगी, लेकिन आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। सो मैं अभी जो है वो सेकंड टर्म के चैप्टर्स आपके पहले कवर करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आपका सेकंड टर्म ही स्कूल वगैरह में आपके कंप्लीट हो रहा होगा। तो मैं सेकंड टर्म से ही वीडियो स्टार्ट करूंगा, और इन केस जैसे सेकंड टर्म हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद मैं फर्स्ट टर्म की वीडियो शुरू करूंगा, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है पॉलिटिकल पार्टीज। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि पॉलिटिकल पार्टीज है क्या, क्या पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या होता है, ठीक है। सो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में क्यों है, या कौन कौन सी पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या होता है, और बेसिकली उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में, या हम क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को चुनते हैं, उसका क्या प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए अच्छी है बुरी है, ये सब जो है हम इस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ साथ में ये भी पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के वर्क्स कौन से होते हैं, क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, ये जो है बेसिकली हमें इस चैप्टर पढ़ना है। तो अगर आप बुक आप उठा सकते हैं तो हम जो बुक के टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं, ठीक है। सो बुक की नीड तो आपको वैसे पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन के बारे में, कि एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को आप एक तरीके से राजनीतिक दल हिंदी में कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आपका पॉलिटिकल पार्टीज ही है, मैं यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करता हुआ चलूंगा, ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टीज है क्या एक्चुअल में, इनको हम हिंदी में राजनीतिक दल कहते हैं, क्लियर है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब देखो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट होती है, चुनी जाती है, अब उनको चुनता कौन है, लोग यानी कि पीपल चुनते हैं। अब वो उस प्रोसेस को चुनने के प्रोसेस को हम इलेक्शन कहते हैं, ये तो पता ही है ना। इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने फेवरेट लीडर्स को या फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज को चुनते हैं, है ना। सो बेसिकली क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कम टुगेदर टू अ कंटेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और जीतने के बाद जो है वो अपनी पावर जो है वो अपनी पावर को होल्ड करके गवर्नमेंट फॉर्म करती है, यानी कि सरकार बनाती है, क्लियर है। अब क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो है बेसिकली लोगों के थ्रू ही चुनी जाती है, उनके थ्रू ही वो इलेक्ट होती है। तो यहाँ पे हमें इलेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना, बस हमें यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है कि पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है और साथ साथ में जीतने के बाद वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, क्लियर है। लेकिन जो जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो लोग चुनते हैं वो हम हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्शन, क्लियर है। प्रोसेस यानी कि उस काम को हम इलेक्शन कहते हैं, और जिस लीडर को या जिस पार्टी को हम चुनते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की फिलहाल के लिए, इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की बात करें। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जो एक साथ आते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन करवाते हैं एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सरकार बना के अपनी पावर को यूज करते हैं, यानी कि सब एक साथ आते हैं, मतलब इसमें कई सारे लोग आएंगे, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, अलग अलग पार्टीज में होंगी, ठीक है, ये सारे मिलके जो वो इलेक्शन कंटेस्ट करवाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर जो है जनता इनको बेसिकली इलेक्शन के थ्रू वोट के थ्रू इनको चुनेगी, ठीक है ना, वोटिंग के थ्रू इनको चुनेगी, और जो भी पार्टी जीत जाएगी, बाई चांस मान लिया ए जीत गई, तो ए जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, अपनी पावर के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप ऑफ पीपल है हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन करवाती है एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपनी पावर को होल्ड करती है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन की पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की
बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स का मतलब आप तरीके से भाग लगा सकते हो, पार्ट्स कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में मेन पर्सन कौन होते हैं या मेन किन किन का इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करने में। यानी कि मान लिया जैसे कि अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय बनाने के जो मेन कंपोनेंट्स है दूध है चीनी है चाय पत्ती है ये सभी जो है ना तो कंपोनेंट्स है इनके थ्रू ही चाय बनेगी, समझ रहे हो। तो चाय बनाने के लिए बेसिकली आपको शुगर चाहिए, फिर उसके पास टी चाहिए और साथ साथ मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, ये सब उसके कंपोनेंट्स है, गैस भी चाहिए आपको। तो इट मीन्स कंपोनेंट्स है ना उसके, यानी कि पार्ट्स है कि किनके थ्रू वो चाय बनती है। तो बेसिकली ये है जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये क्वेश्चन बाय चांस आपका वन मार्क्स में आ सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स कौन से। तो कंपोनेंट्स हैं लीडर, सिंपल सी बात है भाई, आप किसी पर्सन को चुनोगे भाई, किसी एक पर्सन को तो चुनोगे ना। जैसे क्या है अभी 2014 में 2019 में हमने बीजेपी को चुना हुआ है, तो हमने पार्टी को तो जरूर चुना ही है, साथ साथ में हमने पार्टी के जो मेन लीडर है वो कौन है, मोदी जी है ना, तो हमने उनको चुना हुआ है एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्लियर है। तो इट मीन्स क्या पॉलिटिकल पार्टीज का जो पहला कंपोनेंट होता है वो लीडर्स होता है, मतलब लीडर यानी कि नेता, वो डिसाइड करता है कि भाई जैसे कि पार्टी डिसाइड करती है कि हमारा लीडर कौन होगा, ठीक है ना। तो पहला कंपोनेंट कौन है, लीडर। सेकंड कंपोनेंट है एक्टिव मेंबर्स, क्लियर है। अब देखो क्या है, लीडर है, लीडर ने बोला भाई ये काम करना है आपको, आपको ये लॉ जो है वो इंप्लीमेंट करवा के आगे ये लोगों से इसको काम करवाना है, इसके ऊपर वर्क करवाना है। अब उसके मेंबर्स एक्टिव नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काम नहीं कर सकती, ठीक है ना। मान लिया कल को मोदी जी ने अपने जितने भी मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स को उस काम करने के लिए बोला, अब मेंबर्स ने काम ही नहीं किया, इट मीन्स क्या इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो पॉलिटिकल पार्टीज का ही होगा, ठीक है। पीएम जो उनके जो लीडर यानी कि जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर ब्लेम्स लगेंगे। इट मीन्स क्या कह रहा है कि एक तो लीडर तो है ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका द एक्टिव मेंबर्स। मेंबर्स के बिना पॉलिटिकल पार्टीज बन ही नहीं सकती पहली बात तो, क्योंकि उन्हीं मेंबर में से उन मेंबर्स ने ही किसी एक पर्सन को अपना लीडर बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो उन्हीं मेंबर ने अपनी पार्टी का एक लीडर बनाया हुआ है, तो मेंबर के बिना लीडर नहीं बन सकता। तो लीडर तो कंपोनेंट है ही, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा है कंपोनेंट्स क्या, मेंबर्स, और थर्ड है फॉलोअर्स यानी कि हम, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बन गए, मेंबर बन गए, पॉलिटिकल लीडर बन गया, ठीक है। अब बारी है फॉलोअर्स के बिना पार्टीज कैसे जीतेगी, हम वोट डालेंगे जब हम वोटिंग करेंगे तभी तो पॉलिटिकल पार्टीज जीतेंगी, तभी तो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे ना, बिना उसके वो सरकार नहीं बना सकती, किसके फॉलोअर्स के बिना। फॉलोअर्स यानी कि एक तरीके की जनता भी लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले इसको जनता लिख सकते हो और इंग्लिश मीडियम वाले फॉलोअर्स लिख सकते हो, ठीक है ना। मेंबर्स हो गए आपके उनके मंत्री वगैरह, ठीक है ना, सदस्य, और लीडर हो गया नेता हिंदी में, ठीक है ना। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं आपके पॉलिटिकल पार्टीज के, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज इन तीनों के बिना अधूरी है। अगर इनमें से एक पर्सन भी कम हो जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लीट नहीं हो सकती। जैसे चाय के बिना, चाय में से अगर एक भी कंपोनेंट आप कम कर दोगे तो चाय इनकम्प्लीट होगी, वैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज इन तीनों के बिना इनकम्प्लीट है। क्लियर है, समझ में आ गया आप सबको इतना। आगे बात करते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ कर देना, उनका आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब पार्टिज्म क्या होता है आपका। पार्टिज्म का मतलब आप एक तरीके से मान लिया आप एक पर्सन हो, ठीक है, आप किसी एक ही पार्टी को सपोर्ट करोगे, हो सकता है कि आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट ना करो ना, ऐसी बात। एक पार्टी का पर्सन जो है वो एक पार्टी को सपोर्ट करेगा, उसकी थिंकिंग अपनी पार्टी के लिए होगी, उसके जितने भी वर्ड्स होंगे नेगेटिव पॉजिटिव डायलॉग्स वगैरह जो भी होंगे वो अपनी पार्टी के लिए होंगे, नेगेटिव सामने वाले करेंगे पॉजिटिव अपने लिए होंगे, ठीक है ना। यही तो होता है। अब क्या कह रहा है कि अब पार्टिजन कौन होते हैं, अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन्गली कमिटेड। क्या कह रहा है, एक पर्सन जो कि स्ट्रॉन्गली कमिटेड होता है किसके साथ, टू अ पार्टी ग्रुप और फंक्शन, वो किसी एक ग्रुप पार्टी या फंक्शन के साथ जुड़ा होता है। मतलब कमिटेड का मतलब क्या होता है, जुड़ा होना, ठीक है ना, एक होना, इसी को तो बोलते हैं ना कमिटेड। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली मजबूती से स्ट्रॉन्गली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप और फंक्शन, जो कि किसी एक ही पार्टी से एक ही ग्रुप से एक ही फंक्शन से जुड़ा हो, ठीक है। मान लिया आप बीजेपी सपोर्टर हो, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के ही बारे में बोलोगे, प्लस पॉइंट बोलोगे नेगेटिव पॉइंट तो बोलोगे नहीं उनका, है ना। तो इसी को बोलते हैं आगे क्या है, पार्टिसिपेशन इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक द बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। तो कभी कभार क्या होता है कि ना जो पार्टनरशिप जो होती है इज अ मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक अ साइड
एंड इन एबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू. क्या होता है, मान लिया आप एक पार्टी है, ठीक है, आप एक पार्टी के सपोर्टर हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि ये पार्टनरशिप की वजह से क्या होता है कि मार्क बाय टेंडेंसी टू टेक अ साइड, आप जो है एक साइड लेने में इनएबिलिटी भी होती है. जैसे कि आप एक पार्टी के सपोर्टर हैं तो आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, या हो सकता है कि अगर वो सही भी है अदर पार्टी तो आप उसको सपोर्ट करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाओगे भी, ठीक है ना. मान लिया अब मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, कल को कांग्रेस कोई एक ऐसी बात बोलती है जो सही है तो मैं चाहकर भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है. तो इट मीन्स क्या, मैं किस कैटेगरी में आऊंगा, पार्टिज्म की कैटेगरी में आऊंगा कि भाई मैं चाहकर भी उस पर्सन को सपोर्ट नहीं कर सकता जो सही बोल रहा है, क्योंकि मैं एक पार्टी से कनेक्टेड हूँ और पर्टिकुलर पार्टी को ही चाहे वो पार्टी मेरी गलती भी ना हो लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसको जिताने की कोशिश करूंगा. जैसे कि आपको होता है कोर्ट वगैरह में, क्या होता है कोर्ट में दो कैटेगरी के लोग लॉयर्स होते हैं, एक जो ट्रुथ की तरफ और एक जो झूठ की तरफ लड़ रहा होता है. यही तो होता है ना कि भाई एक सच्चाई की तरफ एक झूठ की तरफ लड़ रहे होते दोनों के दोनों. जो सच है, जो सच बोल रहा है उसको तो पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन जो झूठ झूठ बोल रहा है, जो फेक वो बना एविडेंस क्रिएट कर रहा है, या ऐसा जो नेगेटिव लॉयर है आपका, ठीक है ना, तो नेगेटिव लॉयर को पता है कि भाई मैं नेगेटिव हूँ, ठीक है, मेरा क्लाइंट जो है वो कल्प्रिट है, यानी कि दोषी है, वो गुनहगार है, लेकिन फिर भी वो अपने कैंडिडेट को अपने जो वो है सपोर्ट उसको बचाने की कोशिश करता है, ठीक है ना, अपने ग्राहक को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करता है कि भाई नहीं इसने ऐसा नहीं किया, झूठे झूठे गवाह पैदा करता है या ऐसे कुछ फेक रिपोर्ट्स बनाता है जिसके थ्रू जो वो पॉजिटिव कन्वर्ट होता है. ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब मैं चाहकर भी दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं पार्टीज्म का एक मेंबर बन चुका हूँ, यानी कि मैं अपनी ही पार्टी के पॉजिटिविटी के बारे में सोचूंगा. अगर मेरी पार्टी का कुछ गलत भी बोल रही है ना, या मीडिया में उसने कुछ गलत भी बोल दिया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं उसकी पॉजिटिविटी ही गिनवाऊँ, नेगेटिविटी ना गिनवाऊँ. अब ये ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी या कांग्रेस के सपोर्टर, बीजेपी कांग्रेस अपने अपने जगह ठीक है भाई, ठीक है, नेगेटिविटी बीजेपी में भी है, नेगेटिविटी कांग्रेस में भी है, लेकिन दोनों के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट करते हैं, तारीफ करते हैं, दूसरे के नेगेटिविटी गिनवाते हैं, अपनी नेगेटिविटी कोई पार्टी नहीं गिनवाता. तो यही चीज यहाँ पर भी है कि ना इन एबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू. तो कह रहे हैं कभी कभी एक इशू पे ना बैलेंस करने में हमें इन एबिलिटी आती है. ऐसा कोई इशू है जो दो पार्टीज के बीच में आ रहा है, ठीक है, वो इशू के बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं तो आप चाहकर भी ना बैलेंस नहीं कर पाओगे कि आप उनके सपोर्टर हो या इनके सपोर्टर हो, तो आप जो अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करोगे, तो इसको बोलते हैं आपका पार्टीजन, ठीक है ना. आगे बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस पर आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज. ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या फंक्शन होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती है. पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली एक अगर कंट्री में है, एक देश में है, तो क्या काम करती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं. तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कार्य और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए फंक्शंस. तो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप सारे याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें से एटलीस्ट 6 तो आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 6, ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला फंक्शन है टू कंटेस्ट इलेक्शन. देखो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के बिना इलेक्शन पॉसिबिलिटी है. पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ए बी सी सी डी, चार पांच पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो भी तभी तो इलेक्शन कंटेस्ट हो पाएगा ना. क्या कोई भी कंपटीशन जो सिंगल पर्सन के बीच में होता है, नहीं होता भाई, दो होने चाहिए, तीन चार पांच छह, कितनी सारे लोग होंगे या उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे या पार्टी, जैसे इलेक्शन, अब इलेक्शन में एक ही पार्टी, अगर मान लिया भारत में एक ही पार्टी होती, सपोज दैट अगर यहाँ पे सिर्फ बीजेपी ही होती, तो क्या इसको हम कोई इलेक्शन या कंटेस्ट बोलते हैं, नहीं ना, क्योंकि लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये पहली बात तो कंटेस्ट हुआ ही नहीं, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हमारे पास बीजेपी का, लेकिन कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का पहला फंक्शन क्या होता है, टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके कंटेस्ट करवाना, यानी कि उसमें जाना, पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन होते हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट देना, ताकि लोगों के पास ऑप्शन हो, बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, ये सब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये हमारे सामने ऑप्शन लेके आती हैं, ठीक है ना. तो ये सब क्या करते हैं, सब मिलके टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन कंटेस्ट करवाते हैं. इनके बिना इलेक्शन कंप्लीट होना पॉसिबिलिटीज ही नहीं है. अगर मान लिया पार्टीज ही नहीं होंगी तो इलेक्शन भी कंप्लीट नहीं हो सकता, या पॉसिबिलिटीज ही नहीं कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन नहीं होगा तो फिर आप वोट किसको डालोगे, सिंपल सी बात है. तो पहला काम है इलेक्शन करवाना या चुनाव करवाना, ठीक है ना, या चुनाव को वैसे नहीं करवाना, चुनाव का मतलब चुनाव में पार्टिसिपेट करना, ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, ठीक है ना.
नेक्स्ट मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, योजना ठीक है ना, या अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं, नियम कायदे कानून, ये सब बनाना किसका काम है आपको, पॉलिटिकल पार्टीज। जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती है, जैसे बीजेपी 2014 ठीक है ना, 2014 में 2014 हो गया और 2019 यानी कि 2019 में बीजेपी आपकी मेजोरिटी में आई, हालांकि 2014 में वो एज अ कोएलिशन की गवर्नमेंट से आई थी। कोएलिशन की गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, गठबंधन, गठबंधन के साथ आई थी, लेकिन 2019 में यानी कि 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ यानी कि प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ आई थी। तो कहने का मतलब क्या है, अब जो जो पार्टी पावर में आएगी या जो ये मैक्सिमम वोट के साथ आएगी ठीक है ना, वही पार्टी जो है वो पॉलिसीज बना सकती है और प्रोग्राम्स, अलग अलग कार्यक्रम या योजनाएं कह लो इसको हिंदी में बोल सकते हैं, और लॉज कानून वगैरह बनाना, ये सब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का काम है, चाहे वो कैसे भी हो। जैसे कि मान लिया ट्रैफिक रूल में कुछ नया अपडेट करनी है ठीक है ना, या ये सपोज दैट मेल फीमेल से रिलेटेड या वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नया प्रोग्राम लॉन्च करने हैं या नई पॉलिसीज बनानी है, तो वो कौन बनाता है आपका, पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाती हैं ठीक है ना। जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा छोटी छोटी चीजें कि जो पॉलिटिकल, जैसे कोई भी लॉ बनता है तो वो आपका पार्लियामेंट में बनता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा में बहस होती है, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, देन वो बिल पास होके आगे तक जाता है ठीक है ना। अब आगे जाने के बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो उस पर ऑब्जर्व करते हैं कि उसको कि हाँ अगर वो ठीक लगता है तो उसको आगे वो लॉ अलाउ करते हैं ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाना बेसिकली उनका सेकेंड वर्क है। थर्ड मेक लॉ, कानून बनाना, मतलब कुछ नए रूल बनाना, जैसे ट्रैफिक रूल से रिलेटेड हो गया कुछ नए रूल बनाना, या ऐसे कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, संविधान में कुछ चेंजेस करना ठीक है ना, चेंजेस करना या उसमें कुछ बदलाव करना भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम है, लेकिन ये कौन कर सकता है, जो मेजोरिटी में होगा। लेकिन पहली बात ये सब चीजें जो है ना, पॉलिसीज प्रोग्राम्स लॉज, ये आपका पार्लियामेंट में ही बनाई जाती है यानी कि संसद में बनाई जाएगी, और इसमें दोनों पार्टीज की सहमति होना जरूरी है। लेकिन बनाने की मांग जो है बेसिकली जो बनाएगा उसको, जो मेनली स्टार्टिंग करेगा वो आपके मेजोरिटी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी यानी कि जो बहुमत में होगी, जो मेन पार्टी जीती होगी, जैसे कि अभी के टाइम में बीजेपी है, तो बीजेपी लॉज पॉलिसीज प्रोग्राम बना सकते हैं इजिली। अब जो दूसरी पार्टी बची जो हार चुकी है, जैसे कि कांग्रेस वगैरह जो है, ये एज अ अपोजिशन काम करती है, अपोजिशन मतलब उसके दुश्मन के रूप में काम करती है, उसके अपोजिट में बैठती है। मैं एक लॉ, सपोज दैट मैं एक पर्सन, मैं एक पार्टी हूँ बीजेपी, सामने वाले पर्सन और आप जो है एक वो क्या कहते हैं कांग्रेस हो, एक अपोनेंट्स हो ठीक है, तो मैं जो लॉ बनाऊंगा, मैं जो कानून बनाऊंगा, कुछ अपडेट करूंगा ठीक है, संविधान को कुछ अपडेट करूंगा और कुछ लॉज बनाऊंगा, तो आप क्या करोगे, आप, मैं तो उस कानून की पॉजिटिविटी गिनवाऊंगा और आप उस कानून की नेगेटिविटी गिनवाओगे कि भाई इनके थ्रू जो कानून बनाया जा रहा है, लॉ फॉर्म हो रहा है, इसमें कुछ ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, यानी कि कुछ नकारात्मक चीजें, कुछ सकारात्मक चीजें ठीक है। सो थर्ड वर्क हो गया आपका मेक लॉज। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस वेलफेयर स्कीम्स, तो क्या रहेगी ना, वेलफेयर यानी कि भलाई, स्कीम्स मतलब ऐसी कुछ चीजें ठीक है ना, ऐसे लाइक प्रोग्राम्स जैसे होते ना कि लोगों के लिए सही, लोगों की भलाई के लिए कुछ चीजें लेके आना ठीक है ना, ऐसी कुछ चीजें जो लोगों की भलाई के हो, या ऐसे कुछ कार्यक्रम या प्रोग्राम जो वेलफेयर स्कीम्स हो ठीक है ना, जो लोगों की भलाई के लिए हो, हमेशा वेलफेयर होता है भलाई, तो कह रहेगी ना इंट्रोड्यूस द वेलफेयर स्कीम्स, तो ऐसे कोई प्रोग्राम, ऐसी कोई नीति, इसको नीति बोल सकते हैं, ऐसी कोई नीति जो लोगों की भलाई के लिए हो, टू वेलफेयर द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, ऐसे प्रोग्राम्स बनाना भी आपका पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम है। सपोज दैट जैसे कि मान लिया हमने कुछ ऐसे रूल बना दिए जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए, हमने अभी वो प्रधानमंत्री रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता शुरू हुआ है, मतलब जो आफ्टर 12th जो बच्चे बेरोजगार हैं ठीक है ना, उनको पर मंथ में भी 2000 रुपीज जो है वो उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे, ये स्कीम्स वगैरह जो है वो बेसिकली चलाई गई हैं, तो ये वेलफेयर स्कीम्स है, मतलब सोसाइटी के भलाई के लिए बनाई गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब जो काम बनाने की चीजें हैं, ये जो प्रोसेस इस काम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है ठीक है ना। तो ये भी हो गए चार, और देखता हूँ रन गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है, अगर जो वो है सरकार चलाना, गवर्नमेंट को चलाना, किसके काम है पॉलिटिकल पार्टी, पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना गवर्नमेंट ही नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर पार्टीज नहीं होंगी तो गवर्नमेंट नहीं होगी ठीक है ना। तो इसलिए जो मेजोरिटी में है, जो पार्टी आपकी बहुमत में है ठीक है ना, जिसके पास वोट ज्यादा है, जो
सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में वोट जीती, जो सेंटर में बनी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट जो इलेक्शन जीत चुकी है, जिसकी अभी के टाइम पे आपकी बीजेपी है, तो प्रेजेंट टाइम पे जो सरकार चला रही है वो कौन चला रही है? पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि बीजेपी, बीजेपी तो है ही चलाने वाली, लेकिन अकेली बीजेपी थोड़ा सरकार चला रही है, बीजेपी के अलावा भी जो अलग अलग स्टेट्स की जो स्टेट पार्टी है, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि नेशनल पार्टी और जो स्टेट पार्टीज कौन कौन सी होती है वो हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम सिर्फ पार्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी सेंट्रल स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रन गवर्नमेंट, सरकार चलाने में सिर्फ मेन जो वो है सेंट्रल पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं होती, बल्कि और जो स्टेट अलग अलग स्टेट में जो पार्टीज होती है वो सब मिलके ही तो गवर्नमेंट चलाती है ना। जैसे कि दिल्ली में अलग पार्टी है, ठीक है, और पंजाब में अलग, यूपी में अलग, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज हैं। तो क्या अकेले बीजेपी मिलकर सरकार चला रही है? नहीं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। बीजेपी इन सबको हैंडल कर रही है या ये बीजेपी का सपोर्ट भी कर रहे हैं तभी गवर्नमेंट चल पा रही है। तो गवर्नमेंट को रन करना पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्स्ट वर्क है, ठीक है। अब उसके बाद है प्ले रोल ऑफ अपोजिशन। अब देखो यहाँ पे बात आ गई दो पार्टीज की, एक तो विनर पार्टी होगी और एक होगी लूजर, लूजर इन द सेंस की जो हार चुकी है जो दूसरी पार्टीज है। तो यहाँ पे आप सबसे बेस्ट एग्जांपल बीजेपी का और कांग्रेस का ले सकते हो, ठीक है ना। ये हो गई आपकी रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी किसे बोलते हैं? जो रूल कर रही है या जो बहुमत में है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो आपकी जीती हुई पार्टी, जैसे कि अभी के टाइम पे बीजेपी जो है वो क्या है? रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी मतलब जो रूल कर रही है, जो राज कर रही है, वो पार्टी भी वो है बीजेपी है, ठीक है ना। और अपोजिशन का रूल प्ले कौन कर रही है? कांग्रेस और जो पार्टीज है आपकी। तो प्ले रोल ऑफ अपोजिशन, तो कभी 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 जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपोजिशन का रोल भी प्ले करती हैं। अपोजिशन बोले तो मतलब आप जो भी कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, लॉज पॉलिसी स्कीम्स लेके आ रहे हो, अब जो अपोजिशन काम क्या होता है, अब डिजायर की बात है, कोई भी पार्टी है उसके ऐसा थोड़ा ना कि भाई पार्टीज हमेशा पॉजिटिव ही होती है या उनके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उनकी नेगेटिविटी भी तो होती है ना। तो नेगेटिविटी मैं खुद तो अपनी नहीं कर सकता, तो जो मेरा अपोजिशन होगा यानी कि जो मेरे अगेंस्ट होगा वो मेरी नेगेटिविटी गिनवाएगा। तो इसलिए अपोजिशन का होना भी जरूरी है ताकि इसे क्या सकते टू नो द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी जान सकते हैं, यानी कि नकारात्मक चीजें भी जान सकते हैं। किसके थ्रू? सॉरी अपोजिशन के थ्रू, यानी कि जो उसका वो है अपोज में है, ठीक है ना, विरोधी दल, हिंदी में उसको विरोधी दल बोलते हैं और इंग्लिश में उसको अपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपोजिशन का रोल प्ले कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है, ठीक है ना। आगे देखो, है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही, बस सारे कितना, एक विनर है एक लूजर है, ठीक है। आगे बात करते हैं लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिसोल्यूशन। मान लिया कोई ऐसा काम है या ऐसा कोई टॉपिक है जो जनता के लिए बेकार है, या ऐसा कुछ नेगेटिव प्रोग्राम्स हो गए, या कुछ ऐसा वो हो गया, इंसिडेंट हो गया जो लोगों की भलाई के लिए नहीं है, तो मूवमेंट करवाना है, या जो बड़े बड़े मूवमेंट का मतलब आंदोलन वगैरह वगैरह ये सब जो है वो कराना है, पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है। तो लॉन्च मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट्स वगैरह कराने, जैसे कि मान लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जैसे आंदोलन वो मूवमेंट्स कराने हो गए, या पेड़ लगाओ, ये सब जो रैलीज वगैरह निकालनी होती है कभी कभी, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी लॉन्च करती है, ठीक है ना, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, ठीक है, लोगों को जागरूक किया जा सके मूवमेंट के थ्रू कि भाई पेड़ लगाओ या सेव एनवायरमेंट के ऊपर, प्लास्टिक बैन के ऊपर। पहले तो जो मूवमेंट्स मूवमेंट पहले तो लोग रैली निकलवा देते, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे सोशल मीडिया पे ही कुछ ना कुछ पोस्ट बना देते हैं, कुछ ना कुछ वीडियोज बना देते हैं, कुछ ना कुछ ऐड बन जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होते हैं मूवमेंट्स जो कि रिसोल्यूशन के लिए होते हैं, मतलब लोगों की भलाई के लिए होते हैं या डेवलपमेंट करने के लिए या जो बेकार चीजें उनको इम्प्रूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है ना। आगे लास्ट है शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है देखो जनता की राय, या जनता की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी ओपिनियन है, जो उनकी सोच है, उनको शेप देना। शेप देना मतलब जो उनके डिमांड्स है उनको कंप्लीट करना, टू कंप्लीट द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की डिमांड को कंप्लीट करना, या उनकी जो डिजायर्स है उनको कंप्लीट करना पॉलिटिकल पार्टी का काम है। यानी कि जाहिर सी बात है आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज, अभी पॉलिटिकल पार्टी को चुना किसने है? लोगों ने चुना है ना, तो उनकी डिजायर्स को उनकी डिमांड्स को कंप्लीट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पॉलिटिकल पार्टीज की है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्स्ट वर्क क्या है? शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी कि डिमांड टू कंप्लीट द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के डिमांड्स को कंप्लीट करना, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाना, ये सब जो है काम है पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। तो स्टार्टिंग में तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, पार्टीज पढ़ लिया, क्या है
और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा वो है आपका फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सो इस पार्ट में मैंने आपका इतना चैप्टर कवर किया है, ठीक है। सो चैप्टर वीडियोस को मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, इसके पार्ट्स ही बनाऊंगा ताकि आप इजीली जो है वो चैप्टर समझ भी सको, ठीक है, और ज्यादा बोर भी फील ना हो, ठीक है। सो ये था मेरी फर्स्ट वीडियो आपके क्रांति बैच की। तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। सो वेट कीजिएगा हमारी नेक्स्ट पार्ट के लिए, इसके सेकेंड पार्ट के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।